अगर आपको कोई कहे कि निमाड़ में काजू पैदा होने लगे हैं तो आप शायद इस बात को मजाक समझेंगे या एक फेक न्यूज़ मानकर बात को अनसुना कर देंगे। लेकिन खंडवा से 40 किलोमीटर दूर ग्राम कालमुखी में ऐसा संभव हुआ है। 12 वर्षों की अथक मेहनत के बाद वहाँ के किसान ब्रजकिशोर गुप्ता ने अपने खेत में न सिर्फ काजू उगाए हैं बल्कि आम, अमरूद, कटहल जैसे अनेकों फल यहाँ पैदा कर रहे हैं। ब्रजकिशोर गुप्ता ने अपनी 11 एकड़ उबड़ खाबड़ और पथरीली ज़मीन को मेड़दार खेत का आकार दिया। नहर के पानी आ जाने से उन्हें पानी मिल गया और जिसके फलस्वरूप उन्होंने यहाँ एक शानदार खेत और बगीचा तैयार कर दिया। शौकिया तौर पर अपने खेत के लिए काजू का पेड़ लाने वाले श्री गुप्ता बताते हैं कि वे 12 वर्षों पूर्व एक काजू का पेड़ लेकर आए थे। 12 वर्षों की देखभाल के बाद पिछले 3 वर्षों से इस पेड़ पर फल लग रहे हैं, लेकिन प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी न होने के चलते वे इस फल को उपयोग नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन मेहनत की जाए तो निमाड़ में काजू की खेती भी संभव है, यह उन्होंने कर दिखाया है। और उसमें साइफन पद्धति से पानी आता है, नो बिजली, नो सोलर एनर्जी। ओके, हाँ, साइफन से नहर में का पानी यहाँ आता है। खेत तक पानी लाने के लिए उन्होंने सोलर पैनल और साइफन पद्धति का सहारा लिया है। यह स्क्रीन पर जो आपको वृक्ष दिखाई दे रहा है यही काजू का वृक्ष है। पिछले 3 वर्षों से इस पेड़ पर बड़ी संख्या में फल लग रहे हैं। पकने के बाद काजू के ये फल पीले या लाल रंग के हो जाते हैं और इसी के बाद इसे प्रोसेस करके उपयोग में लिया जाता है। ये जो पत्थर दिख रहे हैं, हाँ, ये मेड़ है, तो ये हमारी मेड़ यहाँ से ऐसी थी, ठीक है। हाँ, बताइए, आपने यहाँ पर आपके यहाँ काजू हो रहे हैं, ये किस तरह आपको अचानक काजू लगाने का विचार आया और आपके यहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं? बेसिकली मुझे बागवानी का शौक बचपन से ही रहा है। नौकरी के दौरान गमलों में बागवानी की मज़ा नहीं आया। रिटायरमेंट के बाद मुझे ये माता पिता की धरोहर जो विरासत में मिली है तो उसमें मैंने ये बागवानी का शौक शुरू किया। मुझे यहाँ पर हरियाली चाहिए, फिर वो काजू से मिले, सागौन से, शीशम से, सीताफल से, जो यहाँ ज़मीन में पैदा हो सकता है मैक्सिमम वही प्लांट मैंने यहाँ लगाए हैं। और इत्तेफाक से ये मुझे काजू का पेड़ मिल गया था तो एक मैंने यहाँ लगाया और वास्तव में ये बहुत सुंदर भी है और खुशी इस बात की है कि यहाँ सक्सेस हो गया। अच्छा, जो ये काजू का है ये आपका पहली बार फल आए हैं इसमें या इससे पहले भी आ चुके हैं? ये चौथा साल है। अच्छा। पर इस साल सबसे ज़्यादा है। अच्छा, तो इसको खाने में यूज़ किया जा सकता है, इसका क्या करते हैं आप बनने का जब काजू पक हो जाता है? इसकी काजू बनाने की सही प्रोसेस तो मुझे नहीं पता। ये ठीक वैसे ही है कि हम अंगूर तो बाज़ार में ले सकते हैं पर अंगूर से हम किशमिश नहीं बना सकते, वैसे ही ये काजू अभी तो दर्शनीय है, इसका हमने कभी काजू बना के उपयोग नहीं किया, न मुझे प्रोसेस मालूम। अच्छा, आपने पानी की एक स्पेशल व्यवस्था करके रखी है, आपके यहाँ पानी किस तरह आता है खेत में, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। हर्ष भाई, पानी के मामले में तो मैं बहुत लकी हूँ। सराउंडिंग नाला है खेत के 3 तरफ और उसके अलावा नहर है, एक तालाब मैंने खुद ने भी खुदवाया, बलराम तालाब। अच्छा, नहीं, आपने ये जो यहाँ पे साइफन पद्धति से जो पानी लेकर आए हैं सोलर पैनल से, वो किस तरह की आपने किया है? वो तो नहर इस खेत में नहीं है, वो सामने वाले खेत में है और वो थोड़ा ऊँचाई पर है, तो हमने पहले लेवल के हिसाब से पाइप बिछा के देखा कि पानी यहाँ तक आ सकता है क्या, और वो आ रहा है तो फिर हमने वो लेवलिंग करके पाइप बिछाए और साइफन पद्धति से नहर का पानी भी हमारा इस खेत में आ रहा है। जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम उसमें मोटर फिट कर देते हैं तो तेज़ गति से भी आता अच्छा, है। अच्छा, ये आपके यहाँ सोलर पैनल से चलता है ये? हाँ। जब तक भी इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। सोलर पैनल अभी ही लगवाया, मुश्किल से 6 महीना हुआ है और ये जो है जब तक धूप रहेगी, जब तक चलेगा, जैसे जैसे धूप कम होती जाएगी पानी कम होता है और बहुत अच्छी सर्विस है। और कौन कौन से आपके खेत में फल की प्रजाति है, कौन कौन से लगाई है आपने? यहाँ पूरे खेत में करीब 47-48 प्रकार के पेड़ पौधे हैं, फलदार भी हैं। जिनमें प्रमुख कौन कौन से? प्रमुख तो हमें सागौन, सीताफल, कटहल, जाम, ये ज़्यादा हैं।
ताकि कुछ कम है, नींबू के भी ज़्यादा है, नींबू के 300 पौधे हैं करीब मेरे पास। अच्छा, आपका परिचय बता दीजिए। मैं ब्रजकिशोर गुप्ता, मूल निवासी कालमुखी का ही हूँ। सेवानिवृत्ति के बाद वापस यहाँ आके खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धरोहर हर्ष उपाध्याय, खंडवा।